जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे Xiaomi Mi A3 के सितंबर मंथ के अपडेट के बारे में, जो कि फाइनली रोल आउट हो चुका है। आप लोग भी चेक कीजिए, आपको भी अपडेट मिल चुका होगा। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अपडेट में आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है हम आपको ये भी बताएंगे। साथ ही यहाँ पे कौन से ऐसे बग्स हैं जो आप पहले फेस कर रहे थे वो भी फिक्स हो चुके हैं। उसके साथ दो मेन फीचर्स जो कि सबसे ज़्यादा आप लोग वेट कर रहे हैं वो है एंड्रॉयड 11 का अपडेट और वाईफाई कॉलिंग, वो आपको मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो कब मिलेगा। सारी चीज़ें जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों फाइनली Xiaomi Mi A3 में सितंबर मंथ का अपडेट रोल आउट कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि अभी Xiaomi का जो अपडेट आता है Mi A3 में वो करीब 20 से 25 तारीख के बीच में आ जाता है। आप भी अपडेट को चेक करिए, आपके भी फोन में अपडेट आ गया होगा, अपडेट को आपको इंस्टॉल कर लेना। लेकिन अगर बात करें कुछ फीचर्स की, जैसा कि आपको पता है कि Xiaomi Mi A3 में स्टॉक एंड्रॉयड होने की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ फीचर्स ऐसे अपडेट में मिलते नहीं, बस आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच हर मंथ के अपडेट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको सितंबर 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। अपडेट की जो साइज है वो 36.63 MB की। हमने अपडेट को डाउनलोड कर लिया, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हम करते हैं फोन को रिस्टार्ट, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि फोन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। दोस्तों हमने अपडेट को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। सबसे पहले मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको पता है सब अपडेट में जो कि आपको उस लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच और कुछ बग्स वगैरह वही फिक्स होते हैं। यहाँ पे भी आपको एंड्रॉयड 10 जो कि आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा, बाकी 5 सितंबर 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच और इस अपडेट का जो बिल्ड नंबर वो है वर्जन 11.0.21.0, तो ये आपको बिल्ड नंबर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे मैं बात करूं तो बाकी कुछ खास फोन के परफॉर्मेंस में आपको चेंजेस देखने को भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत सारे जो बग्स थे ऑलरेडी मिले थे में सब फिक्स हो चुके हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक कैमरा सैंपल दिखाता हूँ, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप कोई भी फोटो क्लिक करते हैं, अभी आप लोग मैं बताऊँ तो इस साइड से आपको काफ़ी लाइट देखने को मिलेगी, उसके बाद ही मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ। और आप लोग को मैं एक चीज़ जो भी मुझे फील हुई अपडेट के बाद, यहाँ पे जो फ़ोन की कैमरा की शटर स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो चुकी है। बाकी मैं बात करूँगा इस फोटो के कलर की दोस्तों, तो आपको काफ़ी एक्यूरेट कलर देखने को मिल जाएगा। लाइट की वजह से यहाँ पे आपको कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाकी कैमरा का परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लग रहा है। कि बैटरी जल्दी ड्रेन हो जा रही, तो ये भी रीज़न है क्योंकि अगर आपका फ़ोन पुराना है, मैं बताऊँ कि करीब मेरा जो फ़ोन है 1 साल लिए मुझे परचेज हो गया, क्योंकि जैसे ही लॉन्च हुआ था मैंने परचेज किया था, उस हिसाब से थोड़ी सी बैटरी बैकअप आपका डाउन हो जाएगा। बाकी जो चार्जिंग स्पीड मिलेगी आपको इस अपडेट में, वही करीब 2 घंटा या 2 घंटा 10 मिनट करीब आपको फोन पूरा चार्ज करने में लग जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको इस अपडेट का फुल डिटेल रिव्यू चाहिए, जहां पे हम कैमरा टेस्ट, उसके साथ ही बैटरी ड्रेनिंग, चार्जिंग टेस्ट और गेमिंग टेस्ट करें, तो आप लोगों को हमको कमेंट करके बताइएगा, हम फोन को थोड़ा यूज करने के बाद हम टेस्ट करेंगे। वैसे मैं बता दूं, अगर आपको अगर इसमें जी कैम से फोटो क्लिक करते हैं तब कैसी फोटो आती है, मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूं। जी कैम से फोटो क्लिक करने के बाद आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी फोटो देखने को मिल जाएगी। आपको अपने जो स्टॉक कैमरा है उससे अच्छी फोटो जी कैम में देखने को मिलेगी। जैसा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे भी आपको काफ़ी एक्यूरेट कलर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है इस कैमरे में। बाकी आपको अगर जी कैम इंस्टॉल करना है, आपको नहीं पता, तो वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ हमने बताया लेटेस्ट जी कैम 7.4 को आप Mi A3 में कैसे इंस्टॉल करें। दोस्तों Mi A3 में एक और जो प्रॉब्लम थी वो थी कॉल रिकॉर्डिंग की। यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर तो मिल जाता है, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पे कि आप जैसे ही, अभी देखिए मैंने जैसे ही स्पीकर ऑन किया, यहाँ पे आपकी कॉल रिकॉर्डिंग पहले तो चली गई। उसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ आपको अलर्ट सुनाई देगा जो कि अभी ठीक नहीं हुआ है, तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। बाकी आप लोग बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड होती है सेव कहाँ होती है, मैं आपको दिखा दूँ। आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये कॉल रिकॉर्डिंग का सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहा कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, जिसको आप शेयर कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, तो ये प्रॉब्लम है जो कि अभी फिक्स नहीं हुआ है। वैसे मैं बताऊँ ये प्रॉब्लम Xiaomi की तरफ से नहीं, ये गूगल का जो फोन ऐप है उसमें आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नई वीडियो लाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।